हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि वह भला है और आपके जीवन में चंगाई की और हर आशीष को लेकर आता है। सबको जय मसीह की। मैं हूँ आज का वचन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड न्यूज़ डेली डिवोशनल से है, जो कि मेरे आत्मिक माता और पिता प्रॉफिट यूबर एंजल प्रॉफिटस बेबी एंजल की तरफ से प्रकाशित है। आइए आज के दिन के वचन को हम पढ़ते हैं। दिन रविवार 9 दिसंबर और इसका शीर्षक है प्रशंसा का बलिदान। पुराने नियम से भजन संहिता उसकी 106 की एक आयत को पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। परीक्षा के बीच में भी आप उसकी प्रशंसा करते हैं, यानी कि उसकी महिमा करते हैं कि आपकी सभी गलतियों के बावजूद भी वह आपकी धार्मिकता है। आप उसे धन्यवाद देते हैं कि वह शांति का राजकुमार है। आप उसे धन्यवाद देते हैं और उसकी शांति आपके जीवन में तूफान को शांत कर देगी, क्योंकि निराशा आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर ऐसे समय को देखता है और उसकी प्रशंसा करता है, जब इतने निराश होने के बावजूद आप उसे मुक्त इच्छा में धन्यवाद देने की पेशकश करते हैं। वास्तव में इसके दौरान आप बहुत धन्यवाद करते हैं उस समय के मुकाबले जब आप आनंदित महसूस करते हैं, क्योंकि आप अभी आशीषित हैं। और जब आप परमेश्वर के निरंतर प्रेम के लिए उसका धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि वह भला है और आपके जीवन में चंगाई की और हर आशीष को लेकर आता है। उसकी ईमानदारी सुरक्षा प्रदान के लिए भी जब आशीष ना भी हो तो जल्दी ही आपको आशीष का आनंद देता है और आप आशीष का आनंद लेंगे। तो अपने हाथ उठाओ और परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि वह अच्छा है और उसकी दया हमेशा के लिए आप पर बनी रहती है। कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी समय आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। हमेशा प्रभु का धन्यवाद करें और उससे डर कर जिए, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य कर सके और अपने नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे, आप मुझसे सुन सकते हैं और मेरे पीछे रिपीट भी कर सकते हैं। परमेश्वर मेरा उद्धार करता है और उसकी स्तुति लगातार मेरे मुंह में होगी। मैं आज यीशु के नाम पर जीत रहा हूं। आगे के अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं भजन संहिता 103 की एक आयत को। सबको जय मसीह की। Never can tell.